तो आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है और बारिश होने की आशंका है और वहाँ पे जो है मीट बनने की तैयारी चल रही है। वहाँ पे मिक्सी में जो का मतलब ये है कि ये देख सकते हैं आग जल रहा आपके सामने है, और ये हमारे पिताश्री आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। एक कहानी जो कि एक सास और एक दामाद की है, जो दही और चूड़ा के लिए लड़ाई कर लेते हैं। तो सुनाओ। ज्ञानी मारे ज्ञान, अरे ज्ञानी ना वो कहानियां सुनाओ ना, मारे हाउ कहानियां सुनाओ ना, हाउ जॉन बोले लगे दा हम रहती तो पी जाती तरह के पापा, कहानियां सुनाओ ना। जॉन बोले ले जे तारा पर दामाद जी के वो आँच उठा के देखी तो हम हैंग पी जाइए। तो दोस्तों तैयार हो जाओ कहानी सुनने के लिए। बोला दो भाई रह ले खूंटा एगो मोरी, तो लोग सिखा देहल जे एक खूंटा तार भाई दिन भर सूट बूट चढ़ा के घूमल फिर आ तू हरवाही कर। ये क्या है, वो एक तार का टुकड़ा है क्या पतला इतना? सुनाओ ना पतू का बीच तू हरवाही कर ल। हाँ। से तू मत कर तू घूम। लोग सिखा देहल तैयार के अपना घरे कहलन खूंटा की भैया का आ तो तू हर हर चलाओ जा हम जता नहीं घूमे। तो तू कहाँ जेब आ तो ससुरारी जा, तो तहार तो शादी नहीं कर बोल तू ससुरारी कहाँ जेब तो हर शादी भैल बनो तो ठीक बा तहारा ससुरारी जाए तो ठीक बा जा। तो गैलन भैया के ससुरारी नीचे रख गैलन तो उनकर सास इनार पर गाँव पसार वही जी भेंट हो गए तो पन्नामा पाती गए तो कहला सास कहली कि बैठी बबुआ सुनम वो कटोरी है ना वो बड़ा वाला वही जी बैठा दिली हाँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के देना जरा। आ कहली जे सूखा है गाँव दो चार दिन सूखा अब तो एक मन में समा गए। अरे वो मूंगफली वगैरह खा लू क्या? दू चार दिन खाना पापा को सुनाने दे। तब न पिसाई पूजा टी बनी तो हमरा भेटी पूजा तो परनामा पति को आ कहलन जे हम जा तनी घर थोड़ा सा देना तो ठीक बा जा। उ चल गेलन घर तो जाके अपने भैया उनकर भैया कहलन जे ससुराली तो इतना जल्दी काहे आ गए लो आ तो आ गए हसन हसन बात तो आ तो ऐसा ऐसा बात है तो तू भाग कह लो देख हम जाता नहीं। अब वो अलन दूसरका दिन ससुरारी अलन तो बड़का भाई खूंटा तो ससुरार के बात के वो है ना वो इनार पर वगैरह देना वो खाते हैं ना लोड़ी का। मैं नहीं छोड़ूंगी मैं मीट छोड़ूंगी तो आके कल दिन चढ़ाएंगे देख ली तो कॉलेज आए तो अभी क्या करूं। अब तो ये आ गए मतलब आज आज है ना लोहड़ी आज मूंगफली और वो सब करते हैं ना से तो लगा तो देता नहीं हाँ। तो एक ही दिन तो परनामा पति भाई लेकर दिन चढ़ाते हैं थोड़ा सा दान करने के लिए तो बैठ गए नहीं छूटे। अरे लोहड़ी उनका त्योहार है कॉलेज सूखा है पठार सूखा दो चार दिन सूखा और जो खाना है वो अलग। सुनो बैठा है मन एक काम कर दे जरा चार दिन बैठा है अभी मन में सोच लीजिए ये सबसे छोड़े वाला एक, नहीं एक पन्नी में है ना लिया गली घर बोल दो हाथ धो के पन्नी में जो जो सोनो लिया गली अब खाना वाना बनल एक पन्नी में मूंगफली और एक गज्जर में से और गज्जर का भी टुकड़ा सब में से इतना निकाल लियो खाऊंगा बैठ के तो कहा मैं वही जो सिखा मूंगफली भी मूंगफली गजक वगैरह सब में से थोड़ा थोड़ा ला देख लन जो नदिया टंगल बा तो तुलसी लगा के
नदिया उतार के देख लठुआ के एकदम कठुआ रहे पूरा कौन वाला कहानी पलटली अथी हो गई सुनावा ना पता नीचे आगे धई रहे तो ये ला सुन ले बनी ना हम तो का कइलन जे उतार के नदिया वा आगे पठा देलन बस पूरा गल गल भी गरम हो गई आ फिर ले जाके वही शिकार पट्टा में देलन। अब थोड़े देर के बाद उनका सास खाना लेके अइली दर अली खाए बउआ खाए तो कह तरन दमा चीजें खाना तो ठीक बा तनी घी ले आके दे देती हमार हमार माई भी है ना हम रख बिना घी के ना खाए देवे तो बारिश हो गया जहाँ घी को रहला तो छः महीना हो गया का होते नदिया टांगल बा खाली नदिया टांग दिल बने तभी कहलन दमा जी के ओचे का हमार माई बिना घी को ना खाए चले खालियो नदिया ले आके ढाल देती मने औद देती तो हमारा मने शांति हो जाए कि चलो घी थोड़ा शांत मिल जाए तो कहती कोनो बात ना अभी हम ले आके डाल देता नहीं वही घी के नदिया उतर ली आ मुँह कैले बारी है ना उनका मुँह ही हो आ वो मुँह कैले बारा उनका मुँह ही हो आएगा घी के नदी आएगा डाला तारी आई जनता जे देखस मत जे कठुआ घी बा गिरत नहीं थे आ पलटली तले सारा नदिया के घी खाली में तो सारा थोड़े गिरल हुई सब गोल गो रहे तो सब गिरिए तो कितना बड़ का थरिया ले रहे होता हो होता हो हां एक कहानी है कथा होता हो आए रहे वो आए थी रहे तो अब तो नदिया पर दली मन में झनक पटर करता री कहली जे सारा घेवा तो तुम भी खा जे और कौन उपाय लगाई हैप्पी लोड़ी हैप्पी लोड़ी बबुआ आपन बेटा बेटे हो आ दमाद हमार बबुआ जब आलन तो हमरा के अपने में खाना खिया अरे दमाद बेटे हो ये क्या तो हमार बबुआ कलकत्ता ए यार तूने क्या कर दिया कलकत्ता से आवे लोन तो बिना अपना में खियाले ना मानस पापा लाए के ये चीज तो भाई का के देखो कलन जे ठीक बान आपन बेटा बेटे हा हम बेटे हैं आई यही में रहो खा ली कहली ठीक बा खा लगी तो दम दू यो तनी टेढ़ रहे सारा घिबुआ उनिया को कहके जाओ छिपा टेढ़ रहे जाओ तो कॉल कर के जानतनी आज के बाद रउआ के केहू आँख उठा के देख ली न तो ओकरा के हेंग साफ दसों अंगुर से बकोट दे आ सारा गेहुआ घींच के अपना यो लेके चल जी तो देखल जी आज बाहर तो सब गेहू अपना ये घींच ले ली तो कह तरन जी जानतनी अमा जी आज के बाद रउआ के केहू आँख उठा के देख ली तो जिन मरद घी उठा के पिए ला वही में उठा के पी जाए थरिया उठा वही में उठा के पी जाए आ सब गटक गई लंदी ओ छोड़ ले भाई जब ऐसा बात रहा तो पिए लगल न तुरंत थक गया पकड़ के खींच ले लो यार थोड़े थोड़े भाई कहानी गलत भाई तो हमारे पिताश्री ने जो